हेलो दोस्तों, अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपने भी किसी ना किसी वेबसाइट, एप्लीकेशन या ईमेल पर अकाउंट बना ही रखा होगा। तो क्या आपको पता है कि वो वेबसाइट, ईमेल या एप्लीकेशन, किसी पे भी आपने अकाउंट बना रखा है, उसका पासवर्ड कितना सेफ और स्ट्रांग है? हम में से कई ऐसे लोग हैं जो तो मेल आईडी उनको बहुत ही कम यूज़ करते हैं। मैं कहूँ तो साल में या महीने में एक बार ओपन करते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो यूज़ ही नहीं करते हैं, बना रखा है अकाउंट, उसमें साइड डिटेल डाल रखी है। तो सोचिए, अगर किसी हैकर के हाथ में वो पासवर्ड आ जाए या वो ओपन कर ले, उनके पास साइड डिटेल पहुँच जाए, तो सोचिए क्या होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल था सेफर इंटरनेट डे। इस मौके पर गूगल ने अपने ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट से एक के बाद एक कई ट्वीट किए, केवल पासवर्ड सेफ्टी को लेकर, लोगों को बताने के लिए कि क्या आप जो पासवर्ड यूज़ करें वो सेफ है या नहीं है। साथ ही गूगल ने एक पासवर्ड सेफ्टी टूल जो है सेफ्टी के लिए, वो भी शेयर किया है। उससे क्या कर सकते हैं आप, अपने जो जीमेल अकाउंट है उससे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में जितने भी आपके अकाउंट्स हैं जो आपने एसोसिएट है आपके जीमेल से, वो वहाँ शो हो जाएंगे। आपका पासवर्ड आप देख सकते हैं कि वो सेफ है या नहीं है। अगर आपका पासवर्ड सेफ नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं वो आपको वहां शो हो जाएंगे जिनके सेम पासवर्ड आपने रख रखे हैं, या फिर कोई पासवर्ड जो कमजोर है वो आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं वहीं से। तो दोस्तों, ये आपको जरूर चेक करना चाहिए। अपने जीमेल अकाउंट से आपको लॉगिन करना है, जो भी एसोसिएट अकाउंट है वो सारी डिटेल्स वहां पे आ जाएगी। जरूर चेक कीजिए, क्योंकि हैकर्स का कोई नहीं पता कि वो कब आपका अकाउंट हैक कर ले। वो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं, मौका मिले और झोंका मारे। तो दोस्तों, इस वजह से आपको ये जल्दी से जल्दी चेक कर लेना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए टेक्निकल टॉक्स पे तो उसमें सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। नीचे सब्सक्राइब बटन है, और सब्सक्राइब के साथ साथ नीचे बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर देना, नहीं तो नोटिफिकेशन आएंगे नहीं और आप बोलेंगे हमने सब्सक्राइब कर रखा है। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी करें स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद में ओपन करना है password.google.com। ये ऊपर लिंक दिया हुआ है, खोलना है। इसके बाद में देखिए, वेलकम टू योर पासवर्ड मैनेजर। इसके अंदर आपको बताएगा कि जो जो पासवर्ड आपने क्रोम और एंड्रॉयड से आपने जो भी लॉगिन किए हैं और परमिशन दी है, वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे चेक पासवर्ड्स का ऑप्शन है, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो रिकन्फर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे दोबारा से अपने जीमेल का पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसको आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए, ये चेक करेगा आपके सेव पासवर्ड, जो भी नंबर फर्स्ट है कॉम्प्रोमाइज पासवर्ड। ये देखिए, इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले चेंज कर लेना है। अगर यहाँ पे आपको चेंज करने के लिए दे रहा है, यहाँ 17 पासवर्ड आपको चेंज करने चाहिए, और लास्ट है वीक पासवर्ड, सेकंड पे रीयूज पासवर्ड, जो एक ही पासवर्ड सब वेबसाइट्स पे, इनमें देखिए सेम पासवर्ड 23 साइट्स है और एप्लीकेशन है, इन पे सेम पासवर्ड यूज़ किया हुआ है। तो हमेशा आपको यूनिक रखना है, अलग अलग पासवर्ड सब पे अलग अलग रखने हैं, ताकि अगर हैकर कोई एक पासवर्ड मिल जाए तो दूसरों को हैक ना कर सके, नहीं तो सारे आपके अकाउंट आप खो बैठेंगे। इसके अलावा ये देखिए, वीक पासवर्ड है लास्ट वाला 78 अकाउंट, तो इनमें क्या है, जो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको रखना चाहिए, इनको आपको चेंज कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आप पासवर्ड देख भी सकते हैं, यहाँ सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, अपडेट करने का भी, डिलीट करने का भी। तो यहाँ सेम, तो वहाँ से आपको पासवर्ड चेकअप के लिए करना है। यहाँ से पासवर्ड मैनेजर वाले ऑप्शन पे आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे ऊपर, ऑफर टू सेव पासवर्ड्स और ऑटो साइन इन। तो जो ऑफर टू सेव पासवर्ड है, यहाँ पे क्या है, आपको जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो वहाँ पासवर्ड सेव करने के लिए ऑप्शन आता है, तो वो यहाँ से आता है ऑटो साइन इन। तो ऑटोमेटिकली साइन इन करने के लिए वेबसाइट है उनमें, तो यहाँ से आपको उसको अलाउ करना है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी नीचे की तरफ देखिए, ये डिक्लाइन साइट्स एंड एप्लीकेशन जिनको आपने परमिशन नहीं दी है, तो ये सारी लिस्ट भी यहाँ आ गई। तो इस तरह से आप यहाँ आसानी से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने चेक कर लिया होगा कि आपके पासवर्ड सिक्योर है या नहीं है, और आई होप आपने अपडेट भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ टिप्स, उनको देखने के बाद भी आप ऑनलाइन किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, अपने अकाउंट को भी बचा सकते हैं और सेफ रह सकते हैं इन हैकर्स से। तो दोस्तों, नंबर वन जो टिप है वो यही है कि सबसे पहले आपको जो पासवर्ड यूज़ करना है वो एक मिक्स में यूज़ करना है, जैसे उसके अंदर नंबर्स भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, और इसके अलावा आपके जो अल्फाबेट्स यूज़ कर रहे हैं वो लोअर केस अपर केस दोनों में होने चाहिए, तो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 किसी को इन्वाइट नहीं करना है हमको, ना अपना नाम डालना है कमल राधेश्याम, इस तरह से भी नहीं डालना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आपको किसी भी पब्लिक डेस्कटॉप पे यूज़ नहीं करना है, अपने अकाउंट वहाँ से यूज़ नहीं करने, स्पेशली साइबर कैफे पे जाके लोग
उसको जो भी 20-30-50 रुपीज़ उसको देके और आराम से 1 आवर तक यूज़ करते हैं, अपने पासवर्ड ईमेल के अलावा अपने जो बैंक अकाउंट है उनसे लॉगिन करके ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। आपको पता नहीं है उस साइबर कैफे पे क्या उन्होंने वहाँ पे सेटिंग कर रखी है, किस तरह क्या आपके पासवर्ड जो आप हो सकता है आप जो पासवर्ड डाल रहे हैं वो सेव हो जाए वहाँ पे और फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको 2-स्टेप वेरिफिकेशन आपको ऑन कर लेना चाहिए। अपने जीमेल से भी आप ये कर सकते हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला था, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो 2-स्टेप वेरिफिकेशन से क्या होगा, आपका अकाउंट बहुत सिक्योर रहेगा, आपके मोबाइल पर भी OTP आएगा, उसके बाद आप आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, पब्लिक वाईफाई जो फ्री वाईफाई होते हैं उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बहुत कम उनको यूज़ ही नहीं करना चाहिए। मैं ये आपको यही सजेशन दूंगा, आपको पता नहीं होगा कब हैकर्स वहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं और आपके जो अकाउंट है वो हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से पब्लिक जो वाईफाई फ्री वाईफाई है उनसे बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अपना जो डेटा है हमेशा आपको अपने क्लाउड या फिर जो भी अपने गूगल ड्राइव या किसी भी ड्राइव पे वहाँ पे आप स्टोर रखना चाहिए आपको। तो इस तरह से आप सेफ रख सकते हैं अपने डेटा को, कभी भी अगर कुछ होता है तो आपके पास एटलीस्ट आपका डेटा रहेगा, नहीं तो आपका सिस्टम वगैरह आपका मोबाइल आपको पता नहीं पड़ेगा कब डेटा लीक हो गया और आपके डेटा से भी हाथ धो बैठे, आपको डेटा भी नहीं मिला, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स और ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आज वीडियो में शेयर करी। इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।